कर्नाटक की एक महिला दीपिका का मामला हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसने न्यायपालिका सहित पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया है। यह मामला अन्य किसी सामान्य विवाह या रिश्ते से जुड़ी कानूनी लड़ाई नहीं था, बल्कि इससे जुड़ी घटनाएं और आरोप प्रत्यारोप ने समाज के कई पहलुओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला यह था कि दीपिका नाम की इस महिला ने 10 पुरुषों से शादी की, उनके साथ सहमति से संबंध बनाए और फिर बाद में उन सभी पर बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। कर्नाटक के कोडागु जिले के कुशाल नगर के नितिन और दीपिका की मुलाकात 28 अगस्त 2022 को मैसूर के ललित महल पैलेस होटल में एक बिजनेस मीटिंग के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बाद उनके बीच जल्द ही संबंध बन गए। 8 सितंबर 2022 को दीपिका ने नितिन के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन 19 सितंबर को दीपिका ने एक और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने नितिन पर शादी करने और फिर उसे छोड़ने का आरोप लगाया। जब यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय पहुंचा, तो नितिन के परिवार ने दावा किया कि वह दीपिका द्वारा फंसाए गए 10वें व्यक्ति हैं। न्यायालय में दी गई जानकारी के अनुसार यह सामने आया कि दीपिका ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न पुरुषों के खिलाफ बार बार बलात्कार, धोखाधड़ी और क्रूरता के आरोप लगाए थे। न्यायालय में दीपिका के खिलाफ दर्ज मामलों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया, जिसमें पता चला कि उसने 2011 से अब तक 10 पुरुषों से शादी की थी और उनके साथ सहमति से संबंध बनाने के बाद उन पर बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। अधिकांश शिकायतें बेंगलुरु के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गईं और इनमें से कुछ मामलों में दीपिका ने आईपीसी की धारा 376 बलात्कार के तहत गंभीर आरोप लगाए थे। न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि कई मामलों में दीपिका ने न्यायालय के समन पर पेश होने से इनकार कर दिया था और मामलों को जानबूझकर लंबा खींचने का प्रयास किया। इससे संबंधित पुरुषों और उनके परिवारों को कानूनी कार्यवाही में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ आरोपी पुरुषों को बिना जमानत के हिरासत में लंबे समय तक रहना पड़ा। न्यायमूर्ति नाग प्रसन्ना ने इस असाधारण मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक डीजी आईजीपी को दीपिका के बारे में राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में डिजिटल जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में इस प्रकार के मामलों से बचा जा सके। अदालत ने अधिकारियों को दीपिका द्वारा दर्ज की जाने वाली किसी भी शिकायत से सतर्क रहने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दीपिका के खिलाफ दर्ज शिकायतों और उसके आरोपों की प्रवृत्ति पर गहराई से विचार किया। अदालत ने देखा कि इन आरोपों में एक साफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, जहां दीपिका ने एक के बाद एक पुरुषों को अपने जाल में फंसाया और उनके साथ संबंध बनाने के बाद बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। इससे न केवल उन पुरुषों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को धक्का लगा, बल्कि उनके परिवारों को भी गहरी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मामले ने समाज में महिलाओं के अधिकारों और न्याय व्यवस्था के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक ओर जहां महिलाओं के साथ होने वाले असली अत्याचारों के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए कानून बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के मामलों से यह बात भी सामने आती है कि कैसे कुछ लोग इन कानूनों का दुरुपयोग कर सकते हैं। दीपिका का यह मामला बताता है कि कानून का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को कैसे फंसाया जा सकता है और इसके कारण उनकी जिंदगी कैसे तबाह हो सकती है। यह मामला कानूनी और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का सही उपयोग होना चाहिए और उन्हें गलत तरीके से उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस मामले ने न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के गंभीर मुद्दे को भी उजागर किया है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि दीपिका ने एक सोची समझी योजना के तहत पुरुषों को फंसाया और फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल न्यायपालिका का समय बर्बाद करती हैं, बल्कि असली पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को और कठिन बना देती हैं। इस असाधारण मामले से समाज को यह सीखने की जरूरत है कि कानून और न्याय का सही उपयोग किया जाए। इसके साथ ही
न्यायालयों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी ऐसे मामलों में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है ताकि न्याय का सही पालन हो सके। दीपिका के इस मामले ने समाज में व्याप्त उन समस्याओं को उजागर किया है जो कि गलत आरोपों और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग से संबंधित हैं। यह जरूरी है कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कड़े कानून बने रहें, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि इन कानूनों का दुरुपयोग न होने पाए। न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि न्याय का सही उपयोग हो सके और निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद न हो।